हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं नए वाले क्लासिक 350 को पुराने वाले क्लासिक 350 से, यानी कि गन मेटल ग्रे दोनों कलर हैं। इन दोनों गन मेटल्स को आज डिटेल में कंपेयर करेंगे। तो पहले तो ओवरऑल लुक देख लो कौन सी की ज़्यादा बेटर लग रही है। और स्टार्ट करते हैं हम प्राइज़ से ही। तो इसका जो प्राइज़ है हरियाणा के अंदर ऑन रोड 2,45,000 रुपये रखा गया है, और वो 2,20,000 रुपये में बंद हुई थी। ठीक है, वो 2021 मॉडल है, ये 2022 मॉडल है। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देख लो बिल्कुल नई मई की है, 12 मई 2022, बिल्कुल लेटेस्ट बाइक है ये। तो इनमें सबसे पहला डिफरेंस आप देख ही पा रहे होगे, उसके अंदर इंजन जो है वो क्रोम में आपको दिया होता था। ये देखो साइलेंसर भी क्रोम में और इंजन भी क्रोम में, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको जो इंजन है ये देखो मैट ब्लैक के अंदर दिया हुआ है, और साइलेंसर भी मैट ब्लैक में दिया हुआ है। उसके अंदर इंडिकेटर्स इसके अंदर जैसे मैट ब्लैक के अंदर हैं, और इसके अंदर आप देख रहे हैं इंडिकेटर्स ये क्रोम के अंदर दिए हुए हैं। तो ये थोड़े ज़्यादा बेटर लगते थे क्रोम वाले, किसी किसी को मैट अच्छा लगता है, किसी किसी को क्रोम अच्छा लगता है, जबकि ये नए वाले क्लासिक है, एक डार्क सीरीज़ के अंदर आती है। ओके, और इसके अंदर आपको अलॉय नहीं मिलते थे, ये आफ्टर मार्केट अलॉय तो नहीं है, लेकिन है तो कंपनी के, लेकिन इसके अंदर स्पोक व्हील्स आती थी। ये 11,000 रुपये की कंपनी से डलवाए हुए हैं, और इसमें आपको कंपनी से ही अलॉय व्हील्स मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और ट्यूबलेस टायर भी मिलते हैं, जबकि उसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स मिलते थे और ट्यूब टाइप टायर मिलते थे। इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं कंपनी फिटेड, और ट्यूबलेस टायर भी मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। बाकी इसके अंदर आपको जे सीरीज इंजन मिलता है रॉयल इनफील्ड का ये वाला, जबकि उसके अंदर आपको वही UCE इंजन मिलता था रॉयल इनफील्ड का। इंजन भी इनके अंदर अलग है, ये इंजन रॉयल इनफील्ड का काफ़ी रिफाइंड है। मैं बता दूं ये नए वाली क्लासिक है आगे जो खड़ी है, और पीछे जो खड़ी है वो पुराने वाले क्लासिक है। ठीक है, तो ये इंजन भी बिल्कुल डिफरेंट है, देख लो इसमें, देखो आप डिस्क ब्रेक इस तरफ हैं और उसके अंदर डिस्क ब्रेक उस तरफ है, ये भी एक डिफरेंस है। चेन का भी डिफरेंस है, इसमें चेन देखो इस तरफ है, इसमें चेन इधर नहीं है, इसमें चेन उस तरफ चली गई है। तो चेन का भी डिफरेंस आ गया, इंजन का भी डिफरेंस आ गया, इसके अंदर किक ही नहीं है। ये देखो आप, उसके अंदर आपको किक भी देखने को मिलती थी। ओके, ये जे सीरीज इंजन है नया, और मीटर कंसोल में भी, फीचर्स में भी काफ़ी डिफरेंस है। इसका मीटर कंसोल देखो सेमी डिजिटल आपको मीटर मिलता है, जिसके अंदर आपको फ्यूल मीटर भी अब देखने को मिलता है नया वाला। ठीक है, और ट्रिप मीटर भी आपको, जैसे ट्रिप मीटर भी आपको देखने को मिले, टाइम भी देखने को मिलता है, और ओडोमीटर भी है, ट्रिप मीटर भी है, दो ट्रिप मीटर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग वगैरह भी देखने को मिलती है, यहाँ पे आप ट्रिप पर नेविगेशन लगवा सकते हैं, यहीं पे बाइक को लॉक कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो बिल्कुल सिंपल बेसिक आपको मीटर मिलता है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन आता है, कोई फ्यूल मीटर वगैरह नहीं, कोई ट्रिप पर नेविगेशन आप नहीं लगवा सकते। चाबी भी इसके अंदर देखो अलग तरह की आती है, और इसके अंदर आपको नई वाली चाबी मिलती है रॉयल इनफील्ड की, नेक्स्ट जनरेशन की। ठीक है, तो ये थोड़ा फोकस में दिक्कत कर रहा है। ओके, चलो मैं अब आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ एक बार दोनों का ही। पहले उसका सुनाता हूँ आपको, होगी इसका सुनाता हूँ। ये नहीं वाली का है। ठीक है, तो डिफरेंसेस वगैरह सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।